तो क्या फ्रेंड्स, गुड़ की चाय बनाने में आपको भी प्रॉब्लम होता है, गुड़ डालते ही फट जाता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज के बाद आपका भी चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगा, इसके बाद आपका भी चाय मस्त बनेगा। बस छोटे छोटे बात को ध्यान में रखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। सबसे पहले चाय के लिए 2 इलायची लिए, छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिए, 4 लौंग लिए, इससे ज़्यादा मसाला हम नहीं डालेंगे इसमें। और इन सबको अच्छी तरह से कूट लेंगे, या तो कद्दूकस कर लेंगे या कूट लेंगे। तो इन सबको रख दिया साइड में। अब यहाँ पर चाय बनाने वाला बर्तन, उसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। तो 1.5 कप पानी, 1.5 कप दूध, यानी कि टोटल हम 3 कप बनाएंगे। पानी में जब उबाल आ जाए तब डालें इसमें चाय पत्ती। तो टोटल हम यहाँ पर 3 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे, लेकिन छोटा चम्मच यहाँ यूज किए हैं क्योंकि जलने के बाद 3 कप चाय तो निकलेगा नहीं, तो हो सकता है बहुत हार्ड हो जाए। हार्ड चाय बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, इसलिए छोटा चम्मच का यूज किया यहाँ पर हम। तो उसके बाद जो मसाला कूट के रखे थे उसे डाल दिए। लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे ताकि मसाला का जो सारा फ्लेवर है पानी में आ जाए, चाय पत्ती का कलर और फ्लेवर जो है पानी में आ जाए। अब इसमें डाल देंगे गुड़। तो गुड़ जो है सो यहाँ पर हम छोटा छोटा करके डाले हैं। तो यहाँ पर गुड़ भी हम डालेंगे 3 चम्मच, क्योंकि 3 कप चाय है। अगर आप चीनी डालते तो आप कम डालते, 2 से 2.5 में भी हो जाता, लेकिन गुड़ थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इन सबको डाल के अच्छी तरह से पकने देंगे। हम अभी से पकाएंगे जब तक तो गुड़ ना गल जाए, मसाला का फ्लेवर ना आ जाए, चाय का कलर ना आ जाए। अब क्या करना है, दूसरे चूल्हा पर आपको दूध चढ़ा के रखना है साथ में। तो यहाँ दूध देखिए उबल रहा है, दूध उबलते हुए होना चाहिए, एकदम दूध गर्म होना चाहिए। अब जब चाय अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें डाल देंगे दूध। दूध खौलते हुए होना चाहिए, चाय का टेम्परेचर बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि हम दूध डाले हैं फिर भी ये चाय जो खौल ही रहा है। बस ये छोटा सा टिप्स है जो आप फॉलो कीजिएगा, आपका चाय कभी भी नहीं फटेगा गुड़ वाली। बस आप इसको जितना देर पकाना चाहते हैं पका सकते हैं। अब यहाँ पर हम गैस जो है मीडियम पे कर दिए, अब इसे हम पकाएंगे। इसे टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा और फटने का भी हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा। बस छोटी छोटी बात है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान में रखिए, 1 नंबर चाय बनेगा आपका भी। और लीजिए, चाय बन के तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा देर पकाने का जरूरत नहीं है, आपको जितना हार्ड लेकर बनाना है आप उसी समय पत्ती उस हिसाब से डाल दीजिए। चलिए, यहाँ गैस बंद कर दिए, हम छान लेते हैं चाय। तो कुछ भी नहीं है, बनाना बहुत ईजी है, बस छोटा सा बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी एक यूजफुल वीडियो मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।